इन्हें खाऊंगा, मैं इन्हें खाने दूंगा, लेकिन मेरे दोस्तों को जरूर खिलाऊंगा। बीजेपी के एक नेता ने कुक लॉन्च करते हुए उन्होंने ये कहा, वी हैव लर्न्ड द आर्ट ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट विदाउट इवन फाइटिंग द इलेक्शन। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के वायदा किए थे, आज केवल सिर्फ 15 लाख लोगों को काम देके जो ईपीएफओ और ईएसआईसी में आंकड़े बदलकर 55 लाख हो गए, और वो 55 लाख को बता रहे हैं हम नया एम्प्लॉयमेंट, ये तो पुराना एम्प्लॉयमेंट। डीजल का दाम 64 रुपए है प्रति लीटर और पेट्रोल का दाम 72 रुपए है, वो भी ऐसे समय जब कच्चे तेल की कीमतें 2013, 2014 से काफी नीचे है। हर साल 1,62,000 करोड़ रुपए की बचत हो रही है, अब तक 6 लाख करोड़ रुपए आपने बचा लिया है, वो कहाँ रखा है? मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाने दूंगा, लेकिन मेरे दोस्तों को जरूर खिलाऊंगा। कॉर्पोरेट कंपनीज को वो खिला रहे हैं, सबका साथ सबके विकास के साथ मैडम, क्या हुआ गरीबों को, किसानों को, क्या हुआ मजदूरों को, दलितों को कुछ नहीं मिला, क्या हुआ लेकिन मिला किनको? क्या हुआ जो प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े उद्योगपति जो दोस्त थे, अमीर लोग थे, उनको 1,10,00,000 रुपए का कर्जा माफ किया। नोटबंदी के बाद 20 लाख लोगों की नौकरी खत्म हो गई, फिर भी सरकार नोटबंदी को सफल मानती, दुनिया के हर इकोनॉमिस्ट इसको नकार दिया। इस सदन में हमने कहा ये ठीक नहीं है, फिर भी वो सुने नहीं, क्योंकि उनकी सुनने की आदत नहीं है। जीएसटी लागू करके आज लोगों को और भी परेशान है। जब गुजरात चुनाव का डिक्लेयर हुआ, जब गुजरात चुनाव के मद्देनजर को रख के वित्त मंत्री ने 200 चीजों पर उन्होंने प्राइस घटाया, टैक्स घटाया 200 चीजों पर, क्यों? क्योंकि नागपुर में, सॉरी गुजरात में चुनाव जीतना था। यह इलेक्शन स्टंट है, हम तो जेन्युइनली चाहते थे कि गरीबों को दुख ना हो। दावोस में जाके प्रधानमंत्री जी बहुत भाषण दिए, आपकी भाषण सुन के इस देश में आने वाले लोग हैं उनको क्या कहेंगे? या गो रक्षक मार रहे हैं, यहाँ पर जो नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन के लिए झगड़ा चल रहा है,